देखो क्या है, मेकअप आर्टिस्ट आज इंडस्ट्री में बड़ी मेहनत करते हैं और बहुत धूप में पसीना बहाते हैं, लेकिन जैसा उनको मिलना चाहिए उनका मुआवजा वैसा मिलता नहीं है। हम तो एसोसिएशन से बोलते हैं भी उनको थोड़ा और बढ़ावा दिया जाए, और इसीलिए देखो क्या है, अपना काम इनका परफेक्ट होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने सैलून खोला जिसमें सिखाया जाए हेयर स्टाइल, नए नए स्टाइल और मेकअप का। अभी तो मेकअप का स्टाइल काफ़ी पहले से चेंज हो गया, अभी तो हॉलीवुड स्टाइल की सब चीज़ें हो गई। अभी जो है, जो पहले के पुराने हैं वो भी अभी सीख रहे हैं नए नए स्टाइल। आपके प्रोफेशनल कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कब तक दर्शकों को देखने के मिलेगा ये प्रोजेक्ट? अभी रानी की पिक्चर है जिसका नाम है रानी दिलकर जाने, वो अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में रिलीज होगी। और एक दो पिक्चरें नई मैं शुरू कर रहा हूँ अभी, एक कहानी किस्मत की वो भी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, उसमें अदाकारा कौन है? हाँ, उसमें है विराज भट्ट है, कलुआ है, सुधीर शर्मा है, काफ़ी एक्टर है। बाली जी, आपका कुछ जानना चाहेंगे, 24 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, कुछ बताएंगे? हाँ, 24 को मेरी गुंडे फिल्म रिलीज हो रही है, गुंडी अंदर है उसमें रानी का एक गाना और एक्शन है बहुत अच्छा, और 24 को रिलीज हो रही है बिहार में, और विराज भट्ट भी है उसमें, अंजना है, काफ़ी मनोज टाइगर ये सब लोग हैं, और अच्छी फिल्म बनी है, बस हम दर्शकों से। ऐसा कुछ मालूम चला बालू माफिया फिल्म बनी है और बिहार में बालू आजकल बैन हो गया है? हाँ है, हमारा कॉन्सेप्ट तो वैसे ही है। हाँ। लेकिन हमारी फिल्म की वजह से बैन नहीं हुआ है अभी नहीं है, गवर्नमेंट नीतीश कुमार की चल रही है, कुछ कहना चाहेंगे बालू माफिया? नहीं भैया, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते पंगे में नहीं पड़ा है, आप माफिया नहीं बनना चाहते? ना ना ना, हम डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ही बन के रहेंगे हम। सिनेमा से रिलेटेड कुछ चीजें बताएंगे जो कुछ देखो, अभी हम लोग आए हैं इधर ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी पार्लर की बातें करेंगे ज्यादा अच्छा है। और रानी जी आई हैं यहाँ पे, रिबन काटा उन्होंने, और हमको बड़ी खुशी है कि रानी जी ने बढ़ावा दिया है इन चीज़ को कि मेकअप के लिए आगे और सब बढ़ाया जाए। थैंक यू। सबसे पहले तो परिचय मैम, नाम बताइए कि कैसे जुड़े हैं? संजना सिल्क मेरा नाम है, और मैं भोजपुरी फिल्मों में तो शायद सब लोग जानते ही हैं, काम करती हूँ, और साइड से इसमें भी जो बॉलीवुड मेकअप स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा हटके सोचा है कि कुछ होना चाहिए, जो अपना ग्रुप सर्कल है मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और क्लोज हो, बाकी तो बताइए क्या कुछ तो आपको तो सपना होगा, ये खोला है कुछ सोचा बंद भी आपने खोला है? हाँ, होता है एक ठीक है था माइंड में सेट था कि चलो अच्छा। सपोर्ट मिलेगा लोगों का तो आगे कर लेंगे, लेकिन कुछ यूनिक लग रहा है, कुछ अलग हटके लग रहा हाँ, है। हाँ, हमने कुछ यूनिक देने की कोशिश तो की है। यूनिकनेस क्या है, क्या अलग हटके क्या हुआ इसमें? कैसे कि जैसे सारे सैलून्स होते हैं कि हेयर कट फेसियल जो लेडीज ट्रीटमेंट, इसमें कैसा हमारा प्लस पॉइंट है कि मेकअप स्टूडियो है, जो मेकअप हेयर स्टाइल जो हर जगह नहीं बताया जाता, हमारे यहाँ ऐसा है कि जो मैंने भी कई जगह मेकअप करा जो प्रॉपर नहीं होता है, यहाँ पे कैसा है कि ABCD से बताया जाता है कि हेयर स्टाइल मेकअप, और ये हमारा प्लस मेकअप स्टूडियो, बाकी सारे ट्रीटमेंट्स ब्राइड प्री ट्रीटमेंट्स और फोटोशूट सब हमारा है। मीडिया को लेकर मेकअप फ्री होगा? हाँ, बिल्कुल 50%। अच्छा, प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आगे कौन से फिल्म है? अभी तो मेरी फिल्म नसीब रिलीज हो रही है पवन जी के साथ, दो फिल्में अभी मैं कर साइन किया है मैंने, और काफ़ी दो तीन में कर रही, अभी कल ही में उनके साथ शोज में थी, इवेंट्स था, हम लोग साथ में ही थे, काफ़ी अच्छा है खेसारी जी पवन जी सबके साथ मेरा क्लोज है, और मैं चाहती हूँ कि दिल से कि वो लोग भी थोड़ा हमें आशीर्वाद दें और वो लोग भी आए जी। सर सर परिचय दीजिए, नाम बताइए, बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? मेरा नाम है समाधान पुजारी। कुछ दिनों से संजना राजू, काफ़ी उनकी इच्छा था कुछ हटके करने के लिए, तो काफ़ी साल भर से रिसर्च होने के बाद मालूम पड़ा है रेस के घोड़े, उनको थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ काफ़ी बातें हुआ हमारा टीम के अंदर, और उनको जो चीज़ की सपोर्ट थी हमारे बिजनेस को लेकर बातें हुए, समझ में आया कि रेस का घोड़ा ये कुछ हटके करना चाहता है, इनकी सोच बहुत अच्छी है। तो एक दोस्त के नाते से राजू संजना तो बहुत बड़े भाई मानते, फिर भी एक बिजनेस के हिसाब से हम पार्टनरशिप में ये चीज़ कर लिए, राजू संजना मेरा साथ में, शायद मुझे उम्मीद लगता है जो उनके टीम और उनकी जो सोर्सेस, जो उसके अच्छापन
साल भर में एक ओपनिंग और कर दूंगा, इससे भी काफ़ी बड़ा जगह, ताकि बॉलीवुड से लेके हर चीज़ों को मदद हो जाए। इनकी सोच कैसे है कि जैसा हम कारीगर है, वो सारे कारीगर लोग कारीगर को कारीगर अच्छी तरीके से नहीं सिखाते, तो इनके एक खूबी है कि भाई जो भी आप सीखना चाहते हो तो भी सीख सकते हैं, आपकी जो इंटेंशन है वो आपको फुलफिल कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं, काफ़ी स्थानों से जानता भी, उनकी सोच बहुत अच्छे लगे। तो आज भोजपुरी की इतनी बड़ी अदाकारा रानी जी के यहाँ तो ये सैलून का ओपनिंग हुआ, आगे चल के किसको किसको लाना चाह रहे हैं? सर बात तो ऐसी है कि जो मन में जो इच्छा होती है, इच्छा तो बहुत बड़ी है, शायद सर भी तब तक बड़े हो जाएंगे। मेरा कुछ पर्सनल इंटेंशन भी है और मैंने डिस्कस भी किया था, मैं एक्चुअली बिल्डिंग लाइन से जुड़ा हूँ, मैं बिल्डर हूँ, मेरा कंपनी का नाम है खुशी बिल्डर एंड डेवलपर्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, फिल्म लाइन से जुड़ने का बहुत इच्छा था, शायद इनके एक जरिया है मुझे ये लाइन में लेके आ जाएंगे, ये उम्मीद है। एक्टिंग का तो खुद को नहीं शौक है, लेकिन एक्टिंग करवाएंगे लोगों से, ये प्रॉमिस है, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में, ओपनिंग है रानी जी के यहाँ, तो क्या लगेंगे? हेलो, मैं सैलजा, और आज हम लोग विले पार्ला में हैं जहाँ पे राजू जी का मेकअप का खुला है, और एक मिनट भी जाते हैं और करते भी हैं इसकी ओपनिंग के लिए। हेलो, मैं सैलजा, और हम लोग यहाँ पे आज विले पार्ला में आए हैं जहाँ पे बॉलीवुड का राजू जी का मेकअप का खुला हुआ है पार्लर, और उनको हम बहुत सारी बधाई देना चाहते हैं, और वो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते भी हैं, बहुत ही अच्छा, और जिसकी ओपनिंग आज रानी चटर्जी जी के हाथ से हुई है। और आप खुद के बारे में बताइए, क्या और क्या मतलब करती हैं आप, एक्ट्रेस हैं, क्या करती हैं? एक्चुअली मैं एक्ट्रेस भी हूँ, और तो कौन से प्रोजेक्ट में काम किया या करने वाली हैं? मेरी मूवी नसीब है जिसके डायरेक्टर मिराज खान है, और दूसरी मूवी मैं कर रही हूँ बलम रंगवाज जिसके डायरेक्टर भी मिराज खान है और प्रोड्यूसर गोपन जी। संजय भूषण पटियाला जी, क्या कहना चाहेंगे आज ओपनिंग है रानी चटर्जी के यहाँ, तो ये सैलून का आज बहुत अच्छा दिन है। आज मुंबई के विले पार्ले स्थित SB रोड पर बॉलीवुड मेकअप शॉप का उद्घाटन किया है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदकारा रानी चटर्जी ने, और इस शॉप के ओनर हैं राजू जी, जिन्होंने कई बॉलीवुड और हॉलीवुड भोजपुरी जैसे सेलिब्रिटियों का मेकअप कर चुके हैं, और यहाँ खास बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ मेकअप किया नहीं जाएगा, यहाँ मेकअप सिखाया जाएगा किस तरह से होता है, नए नए टेक्नोलॉजी क्या नए मेकअप में आते हैं जिससे कि चेहरे बहुत अच्छा है, कि बहुत सारा ऐसा मेकअप होता है उसका सामान होता है जिससे कि फेस आप लोगों को ख़राब हो जाता है, तो यहाँ बहुत ही बारीकी से मेकअप को सिखाया जाता है। अगर किसी को मेकअप सीखना है तो राजू जी से संपर्क करें, इस मेकअप शॉप का नाम है बॉलीवुड, और ये विले पार्ले में मुंबई में है वेस्ट में। हमारे बीच में आज भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर बाली जी उपस्थित हैं, जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कई बड़े सुपरहिट फिल्में दी है, और आज कई फिल्में उनकी फ्लोर पर रिलीज पर है, उन्होंने भी आकर आज बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया राजू जी को, साइनाथ जी को, कि इनके जो पार्लर बहुत आगे चले। कल आपके लिए बहुत बड़ा दिन था संजय जी, कल आपको अवार्ड मिला 12 साल के बाद, क्या कहना चाहेंगे, मेहनत रंग लाई आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक विनोद गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे उस काबिल समझा और बेस्ट पॉपुलर PR के अवार्ड से मुझे नवाजा गया। और क्या कहना चाहेंगे, इतनी सारी एक्ट्रेस का आप काम संभालते हैं, आपके लाइफ में एक्ट्रेस कब आएंगे, शादी कब? मेरे लाइफ में एक्ट्रेस जब आएगा सारे लोग मालूम। जी मेरा नाम ज्योतिका है, एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड का पार्लर ओपन हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी है, और इन्होंने एक भोजपुरी की अभिनेत्री को बुलाया है रानी चटर्जी, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, खास करके मैं उनसे मिलने आई हूँ, और मैं मेरी यही दुआ है कि ये पार्लर आगे तक जाए, इसका नाम हो काफ़ी बॉलीवुड में, यहाँ तक कि हॉलीवुड तक जाए, और लोग यहाँ
इन्हें ऑफर करे मेकअप के लिए, हर चीज के लिए ये पार्लर आगे जाए, मेरी यही शुभकामना है। आपका नाम क्या और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम साक्षी है और मैं खुद को बधाई देती हूँ मेरे सर को, और मैं इधर से सीख रही भी हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे राजू सर जैसे सर मिले, और मैं रानी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ओपनिंग के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम सपना है, मैं ये मेरे फ्रेंड है संजना और राजू, और मैं उनके ओपनिंग के लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े और बहुत पॉपुलर हों। रानी जी, पूछना चाहूँगा सैलून का ओपनिंग करने आया, क्या खास नजर आया, खुद भी मेकअप कराया, कैसा अनुभव रहा? आज ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं किसी सैलून की ओपनिंग में आई हूँ, और जब मैं आई तो मुझे पता चला कि राजू दादा साहब हैं यहाँ पे और इन्हीं का है, और मैं आई थी तभी मैंने मेकअप नहीं किया था, दादा ने बोला कि आइए मेकअप करते हैं, और देखिए आप लोग टोटली चेंज कर दिया हेयर एंड मेकअप, एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि इन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और मेरी विशेज़ हैं, और चूंकि टैलेंटेड हैं तो डेफिनेटली इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और आई थिंक ये सक्सेस भी हैं पूरी तरह से। और इनका सैलून बहुत ही अच्छे से चले, क्योंकि लड़कियों को खूबसूरत बनाते हैं, और ये बिजनेस तो ऑलवेज हिट है। तो जब फिल्म में आप काम करते हैं, मतलब कोई शूट पे जाती हैं, तो क्या मेकअप करना जरूरी होता है कि नेचुरल ब्यूटी भी आपको लगता है कि लोग को आकर्षित करेगा? देखिए क्या है, मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्ट्रेस, और कैमरे के लिए ना मेकअप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फीचर्स होते हैं फेस के वो कैमरे पे तभी क्लियर दिखते हैं जब आपके चेहरे पे मेकअप हो, और जितना अच्छा मेकअप हो मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में होता है कि वो कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखा सके, तो इट्स इम्पॉर्टेंट, मेकअप बहुत ज़रूरी है एक एक्ट्रेस के लिए। कल भोजपुरी अवार्ड था, परफॉर्मेंस भी किया आपने, अवार्ड भी आपको मिल, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी की? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बेस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस मिला, मैं काउंटिंग नहीं कर पा रही हूँ मुझे बेस्ट पॉपुलर कितनी बार मिला है, लेकिन अवार्ड्स अवार्ड्स होते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैंने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स पे परफॉर्म किया कल, और सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आपने इतनी कामयाबी हासिल की निजी ज़िंदगी में, इतना बड़ा नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे, शादी क्यों नहीं कर रही हैं आप? और भी जो अदाकारा है, क्या कोई खास वजह है, कोई ऐसा है? खास वजह कुछ नहीं है ऐसी, शादी का प्रस्ताव मुझे आया नहीं कभी, और ऐसा कोई लड़का भी नहीं मिला कि मैं खुद प्रस्ताव दे दूं, अगर जिस दिन ऐसा होगा तो डेफिनेटली मैं शादी करूंगी। अच्छे लड़के मतलब है नहीं इंडस्ट्री में, कोई ऐसा लड़का इंडस्ट्री में तो अब तक नहीं मिला, सभी बिजी है बेचारे। क्या खूबियां देखती हैं लड़कों में आप, क्या खूबियां चाहती हैं, क्या कैसा होना चाहिए? मैंने अब तक ऐसा सोचा तो नहीं कभी, मतलब लड़के की डेफिनेशन आई डोंट नो कैसी होनी चाहिए, लेकिन मुझे ना कोई मतलब हार्डली टच नहीं हो पाता, मतलब ऐसे कई लड़के मुझे मैसेजेस करते हैं दिन भर में, मैं 20 ऐसे मतलब कंटिन्यू 20 व्हाट्सएप पे ऐसे आते हैं जिससे मैं ब्लॉक करती हूँ, वो लोग सीधा बात करेंगे, तो मतलब मुझे नहीं जमता, पता नहीं क्यों। अच्छा, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा, कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ? अभी मेरी फिल्में, दो फिल्में आने वाली हैं यार, वो कमरों की फिल्म का नाम क्या है, अपनी गुंडे रिलीज हो रही है, हाँ बालीजी डायरेक्टर है उसमें, और मैंने उसमें गेस्ट अपेयरेंस किया है, लेकिन बहुत ही प्यारा गेस्ट अपेयरेंस है, एक्शन भी देखने में, मतलब ये ऐसा गेस्ट अपेयरेंस है जो मेरी पूरी फिल्मों में लोग देखते हैं ना, वो बस ये गेस्ट अपेयरेंस में देख लेंगे, एक्शन है, सीन है, गाना है, और इसके बाद आएगी इश्क बड़ा बेदर्दी है, एंड चोर मचाए शोर। सर आपसे चाहूंगा मेकअप के, रानी जी का कैसा अनुभव रहा मेकअप करने का? पसीना निकल गया हमको, ऐसा क्या है? पसीना निकला है नहीं, बस मैं रानी जी को थैंक्स कहना चाहता हूं, और बाली सर को मैं थैंक्स कहना चाहता हूं कि हमारे सैलून का ओपनिंग में आए, और रानी जी टाइम निकाले जस्ट 5 मिनट्स के लिए, मेरे लिए उतना ही अच्छा है, और मैं रानी मैम को जानता भी हूँ, बाकी हम साथ में कभी काम किए नहीं, बस टाइम मिले तो ऐसा मौका मिले तो रानी मैम के साथ में मैं काम करूँगा, और हमारी मुलाकात होती रहती है, बस मैं थैंक्स दिल से कहना चाहता हूँ, रानी मैम 5 मिनट निकाले उसके लिए थैंक यू, एंड बाली जी, बाली सर को मैं थैंक कहना चाहता हूँ कि
शायद मेरे बड़े भाई हैं जो मुझे छोटी मोटी चीज़ों में समझाते हैं। और राजू, बॉलीवुड मेकअप जो आपने शुरू किया है, कौन कौन सेलिब्रिटी साथ आपने काम किया था? यस सर, मैं स्टार प्लस, जी टी वी क्लस, जितने टॉप शो होता है उसमें से मैं काम करता हूँ। नेचुरली हो गया, झलक हो गया, बिग बॉस हो गया। कोई बड़ी सेलिब्रिटी जिसके साथ आपने काम किया हो? मैं जॉन सर के साथ में काम किया हूँ, जॉन सर के साथ में मैंने गरम मसाला काम किया हूँ, एंड इमरान हाशमी के साथ में काम किया हूँ इनके साथ। अभी मैं लेटेस्ट में एक मूवी में काम किया हूँ जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, और अभी एक आने वाली पिक्चर और है हमारा, सॉरी एक और जैकलिन मैम के साथ में काम किया हूँ, कीक हो गया, एंड एजेंट जो भी फिलहाल में ही रिलीज हो चुकी है। बॉलीवुड जो मेकअप शॉप है, एक किस तरह के इसमें सिखाया जाए कुछ खास? एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं इंटरनेशनल कोर्स करके आया हूँ वो चीज़ हमारे इंडिया में यहाँ पे मिले। मैं एक्चुअली सिंगापुर से पूरा कोर्स किया हूँ मेकअप एंड हेयर का, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बजट नहीं बैठता अच्छे क्लासेस करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में जो छोटे मोटे काम मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट करते हैं लीगल तरीके से जाए और यहाँ से सीखे विद सर्टिफिकेट। हम यहाँ से सीखा कि इंडस्ट्री में भी काम दिला सकते हैं और काम अच्छे से कर भी सकते हैं, इसीलिए हम अपना सलोन का नाम रखे हैं बॉलीवुड मेकअप स्टूडियो एंड सलोन। एक साधारण लड़की को पूरा तैयार करने में कितना समय लगता है? साधारण लड़की मतलब हम ऐसा बोलने से तो डिफरेंट ऑफ मेकअप एंड डिफरेंट ऑफ कॉस्ट्यूम, डिफरेंट ऑफ सेट कि हम क्या कौन से कैटेगरी का काम कर रहे हैं। फेमस होता है ना कि लड़कियों को रेडी होने के लिए टाइम लगता है। यस यस, ये सुनना चाहते हैं वो। सर देखिए, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम से देखेंगे तो हम ब्राइडल लुक में टाइम लगता है। ब्राइडल लुक जैसे हम लेते हैं जब लड़कियां शादी करते हैं, तो जब ब्राइडल लुक होता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम जब ब्राइड लुक देते हैं तो काफी टाइम लगता है। बाकी हम स्वीट एंड शॉर्ट खूबसूरत चीज को और खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा और वक्त लगता है। तो रानी, आप अपने शादी में इनको मेकअप बुलाने वाली हैं? शादी तो फिक्स है, दूल्हा तो मिले, दूल्हा तो मिले यार पहले। थैंक यू सो मच। शादी सभी ने शादी करी, संजू सभी ने शादी।